हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा पेपर बी का चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो ये हम कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान एसेंशियल फिशियोलॉजी। पेपर ए आपका कवर हो गया है कम्प्लीटली, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी। एंड पेपर बी का 11th चैप्टर हम कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे इसके बस 4 चैप्टर्स रहते हैं। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं, इस पे मैं स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी का कोर्स करवा रही हूँ सोशियोलॉजी का। ठीक है, सोशियोलॉजी का। तो जो मेरी बाकी प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, वो जेके एसएसबी एग्जाम के लिए है। तो जो जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं, वो काइंडली इस वीडियो को ना देखें अनलेस यू प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीएससी और यूपीएससी, एंड सोशियोलॉजी इज योर ऑप्शनल। ठीक है, तो इसपे मैं आपकी सोशियोलॉजी के और भी वीडियोस लेके आऊंगी, जैसे हम आंसर राइटिंग डिस्कशन करेंगे एंड इग्नो रेलेवेंट जो भी है यूपीएससी के लिए, या आपके जैसे विजन आईएएस की जो चेक्ड आंसर कॉपीज होती हैं टॉपर्स की, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यू वोंट रिग्रेट लाइकिंग दिस चैनल। एंड अगर आप चाहें तो आप मुझे आंसर भी लिख के भेज सकते हैं, उसके लिए मेरा ईमेल आईडी है currentcrunch411@gmail.com। लेकिन प्लीज काइंडली जो आंसर आप मुझे भेज रहे हैं वो आप पीडीएफ फॉर्मेट में भेजें, ताकि मैं चेक करके आपको रिव्यू साथ में उसके मेल कर दूं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो 11th चैप्टर है, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वगैरह हमारा इसका हो गया है। ये आपका चैप्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। फाइन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें हमने काफी ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़े जो आपके इकोनॉमी के रेलेवेंट हैं, तो उनका बेसिक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे अब सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है आपके लिबरलाइजेशन के, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के। दैट मीन्स सोशियोलॉजी का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लिबरलाइजेशन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, एंड अगर उन्होंने मेंशन भी नहीं किया है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसके, तो कहीं ना कहीं आपको जो रेलिवेंट कंटेंट है वो यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि आपका आंसर आपको हमेशा एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ही देना है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, इट गेव बर्थ टू न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज ऑन वन हैंड एंड गेव बर्थ टू मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस ऑन दी अदर। ठीक है, तो एक पैराडॉक्स है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, क्योंकि ऑल दो अपॉर्चुनिटीज तो मिली, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, फाइन, तो जॉब्स वगैरह भी क्रिएट हुई होंगी, लोगों को काम मिलना शुरू हो गया एंड एक मास प्रोडक्शन हुई। बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है, मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, या मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें आप क्या कर रहे हो, मशीन मेड गुड्स जो है वो बना रहे हो। जब मशीन कोई गुड बनाएगी, दैट मीन्स वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, तो उसको बोलते हैं मास प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन इसके साथ काफी कॉन्ट्रडिक्शंस भी थी, अब वो क्या थी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ब्रिटेन में क्या हुआ, जो इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इससे ज्यादा लोग कहाँ पे आ गए, रूरल से अर्बन एरिया में आ गए। लेकिन इंडिया में जो इनिशियल इम्पैक्ट रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उसमें इसका उल्टा हो गया। वो क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है जो इंडिया है यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव काम जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी हो रहा था। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो आपके क्या काम करती है, जैसे क्लोथ सिविंग, हैंडमेड क्लोथ्स बनाना, ठीक है, या लेदर टैनिंग वगैरह। हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज में हैंडमेड काम चल रहे थे, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, वो सारी जो ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो क्लोज डाउन हो गई, क्योंकि अब काम कहाँ पे हो रहा है, फैक्ट्रीज में हो रहा है, जहाँ पे बहुत ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जो हैंडमेड चीजें हैं, इनका काम जो आर्टिजन थे हमारे, जो इसमें सारे में इन्वॉल्व थे या हैंडीक्राफ्ट काम में इन्वॉल्व थे, तो वो सब क्या हो गए, वो जॉबलेस हो गए। ठीक है, और उनको ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में नहीं मिली, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी या फैक्ट्री सिस्टम था, ये एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव नहीं था, क्योंकि वहां पे काम किससे हो रहा था, मशीन से। जैसे मैंने आपको बोला, इंडस्ट्रियलाइजेशन को या इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, इसको बोला ही जाता है स्टार्ट कैसे हो गया, मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की, जो प्रोडक्ट्स है वो मशीन्स बनाने लगी। तो अब जो लोग जॉबलेस हो गए ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के क्लोज डाउन होने की वजह से, वो वापस कहाँ पे आ गए, एग्रीकल्चर वाले काम में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ब्रिटेन में क्या हो गया, माइग्रेशन हो गई रूरल टू अर्बन, पर यहाँ पे इनिशियली क्या हुआ, ऑल्दो बाद में दोबारा रिवर्स माइग्रेशन होके वापस अर्बन एरियाज में चले गए, लेकिन इनिशियल इम्पैक्ट में क्या था, जो काम ऑलरेडी हो रहा था ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज में, कॉटेज इंडस्ट्रीज में, उनके क्लोज डाउन होने से लोग जो थे वापस एग्रीकल्चर में आ गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मूविंग
आ गया. अनलाइक ब्रिटेन वेयर द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू मोर पीपल मूविंग टू अर्बन एरियाज, इंडिया में जो इनिशियल इम्पैक्ट था लेड टू मोर पीपल मूविंग इनटू एग्रीकल्चर, तो वापस वो गांव में आ गए. ठीक है. एज द फैक्ट्री सिस्टम वॉज नॉट एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव एंड द सरप्लस लेबर फ्रॉम क्लोजिंग डाउन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज मूव टू रूरल एरियाज. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है. ब्रिटेन में आप लिखोगे रूरल टू अर्बन हुआ, ठीक है, लेकिन इंडिया में इनिशियली क्या हो गया, अर्बन टू रूरल हो गया. तो इससे हमारा क्या हो गया, ओवरग्रोथ हो गई एग्रीकल्चर में भी, ठीक है, जिसका रिजल्ट हम बाद में देखते हैं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करने लगा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर. ये हमने डिस्कस करा हुआ है ना, ऑलरेडी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. अब सेंसस ऑफ इंडिया जो है क्लियरली दिखाता है कि जो ओवरक्राउडिंग हो गई एग्रीकल्चर, ओवरबर्डन हो गया एंड इम्पोवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री इन चीजों से हो गई. ठीक है, जो ये रिवर्स माइग्रेशन हुई. डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर एज ऑफ इंडिया, इंडिया हैज द यूथ बट लेस देन 2% ऑफ इट रिसीव्स फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग. तो हमारी जो देखो डेमोग्राफिक पोटेंशियल जो है इंडिया का वो काफी ज्यादा है, प्रोजेक्ट किया जाता है आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगा, तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा है. लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा ये जो ग्रोथ है डेमोग्राफिक पोटेंशियल, दैट मीन्स वो लोगों का इंक्रीज हो जाना जो आपके वर्किंग पॉपुलेशन में आती है. ठीक है, यूथ जो है आपका वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो ग्रोथ है ये जॉबलेस नहीं होनी चाहिए. एंड उन जॉब के लिए क्या होने चाहिए, लोगों में स्किल्स होने चाहिए. तो इंडिया में स्टार्टिंग से प्रॉब्लम रही है, जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है एंड जो स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए लोगों में स्किल्स, वो स्किल्स जो है वो इनहेंस नहीं हुए हैं. कोई फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है इतनी ज्यादा हाई लेवल पे नहीं हुई है लोगों की. इसके लिए भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, वेरियस स्कीम्स वगैरह लेके आती है. फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक रोबस्ट प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एज अ बेसिस फॉर द सेकेंडरी सेक्टर. अब अगर आपका प्राइमरी सेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं होगा आपका सेकेंडरी सेक्टर के लिए भी प्रॉब्लम है. वो कैसे, उसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. टेक्सटाइल फैक्ट्री है, ठीक है, जो कपड़े वगैरह बनाती है, तो उनको तो वो कौन सा आ गया आपका सेकेंडरी सेक्टर जहां पर मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन हो रही है. अब वो डिपेंड करेगा रॉ मटेरियल्स पे, आपके कॉटन पे. तो कॉटन आ गया आपका फार्मिंग सेक्टर, दैट मींस जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है उसकी इंप्रूवमेंट के लिए आपका एक अच्छा प्राइमरी सेक्टर होना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड अगेन अगर अच्छा प्राइमरी सेक्टर होगा उससे क्या होगा, दैट मींस आपके जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम काफी अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी फार्मर्स की. अगर उनकी इनकम अच्छी होगी वो इन्वेस्ट करेंगे एग्रीकल्चर में, दैट मींस वो अच्छी मशीनरी एग्रीकल्चर मशीनरी लाएंगे, वो अच्छे ट्रैक्टर्स वगैरह लेके आएंगे, उनको अच्छे फर्टिलाइजर्स की जरूरत होगी वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे. तो इन सब चीजों से, ट्रैक्टर से, मशीनरी से, फर्टिलाइजर्स वगैरह, इससे कौन ग्रो करेगा, आपका सेकेंडरी सेक्टर. तो जो सेक्टर्स हैं ये भी एक सेपरेटली काम नहीं करते हैं. एक सेक्टर की इंप्रूवमेंट जो होगी उसका रिजल्ट आपको दूसरे सेक्टर की इंप्रूवमेंट में भी देखने को मिलेगा. वही चीज यहाँ पे हाईलाइट की गई है. ठीक है. एग्रीकल्चर सेक्टर इज इन शैम्बल्स, जिसको हाईलाइट किया है बाय पोअर डिकेडल ग्रोथ इन द सेक्टर इन 2011 to 2021 period and was marked by farmers, massive farmers agitation in 2021. अब एग्रीकल्चर में हमारे काफी ज्यादा लोग जो है वो इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयमेंट काफी एग्रीकल्चर जो है दे रहा है, although वो disguised employment है. ठीक है, लेकिन उसका जो contribution है हमारे GDP में वो काफी कम है, जो हम आगे देखेंगे. One area which requires the attention of a sociologist while discussing industrialization is labor relations with the capitalist class. देखो अब यहाँ पे जो labor relation with capitalist class है बहुत मार्क्स वाला concept लेके आ, ठीक है, हर जगह although different forms में कुछ variations के साथ relation वैसा ही रहता है, haves and have nots वाला ही सिलसिला चलता है. Fine. And जो labor reforms थे इंडिया में काफी बाद में लेके आए थे, ब्रिटेन में ये 1802 में आए और इंडिया में 1900s में आए थे, जब आपका AITUC वगैरह जो है वो बनना शुरू हो गया था, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में सारी चीजें पढ़ी होंगी. ठीक है. लेबर लेजिस्लेशन जो इंडिया में थे वर इंट्रोड्यूस आउट ऑफ कंपल्शन एंड नॉट एज अ नेसेसिटी, कि ऐसा नहीं है कि पहले ही सोचा हो कि नहीं ये रिफॉर्म्स लाना जरूरी है हमारे लेबर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, ऐसा नहीं हुआ. जब लेबर साइड से ही कंपेल किया गया कि नहीं हमें रिफॉर्म्स, तो उन चीजों की मांग हुई, ठीक है, तो वो आउट ऑफ कंपल्शन वो रिफॉर्म्स जो है वो ग्रो किया, उन रिफॉर्म्स ने ग्रो किया. राइज ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इन द वेक ऑफ रशियन रेवोल्यूशन स्पर्ड मेनी ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स. लेबर ये आपने सारा हिस्ट्री में देखा होगा, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा क्या हो गया, हमारे ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स काफी चली. लेबर मूवमेंट्स रिमेन स्ट्रॉन्ग फॉर क्वाइट सम ईयर्स बिफोर द डिक्लाइन इन 1980s. ट्रेड यूनियनिज्म हैज डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली इन इंडिया
एंड वन फॉल आउट ऑफ एम्फेसिस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज रिलैक्सेशन ऑफ लेबर लॉज एंड इंक्रीजिंग लेवरेज विद द कैपिटलिस्ट क्लास। अब इंडिया में अभी करंटली क्या प्रमोट किया जाता है कि आपका जो बिजनेस वगैरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया काफी अच्छा कर रहा है, जिसमें आपके जो लेबर लॉज है, रिस्ट्रिक्शन है ऑन टैरिफ्स, कोटा वगैरह, वो सारी चीजें रिड्यूस की गई है ताकि आपका बिजनेस अच्छे से चले। तो इस वजह से जो ट्रेड यूनियनिज्म है यहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू हुआ है, काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है, आपको गवर्नमेंट ही काफी रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है। While permanent employment in large industries is declining, governments often indulge in land acquisition for industry. ठीक है, ये हमें पता है, नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए लैंड एक्विजिशन में गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। These industries do not necessarily provide employment to the people of surrounding areas, but they cause major pollution. Vedanta Sterilite was ordered to be closed down in 2018 due to concerns related to pollution and water contamination. देखो, इस पैराग्राफ में इसका नेगेटिव लिखा हुआ है। कहा है जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है लार्ज इंडस्ट्रीज में, वो डिक्लाइन हो रही है। क्यों, वो हम आगे देखेंगे। देखो, ये मोस्टली अपना काम आउटसोर्स कर देते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज को हायर करना, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज को हायर करना, ठीक है, या अपना बड़ी फर्म जो होती है वो आउटसोर्सिंग कर देती है, छोटी फर्म्स में अपना काम स्मॉल फर्म्स में आगे दे देती है कि वहां से एम्प्लॉयज जो है वो काम करे बिग फर्म्स के लिए वाया स्मॉल फर्म्स। ठीक है, वो स्मॉल फर्म्स भी अगेन आउटसोर्स कर देती हैं अपना काम, वो अगेन क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड एम्प्लॉयज जो है उनको हायर कर देती हैं। तो इसलिए जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है कि हाँ एक जो कंपनी है वो परमानेंटली आपको रख ले, वो चीज डिक्लाइन हो रही है, तो ये नेगेटिव है। एंड गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड एक्विजिशन करती है नई नई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, और ये इंडस्ट्री जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है जरूरी है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे टू द पीपल सराउंडिंग एरियाज, लेकिन सराउंडिंग एरियाज के लिए पॉल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा एक इशू रहा है। वेदांता स्टरलाइट बेसिकली एक कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, ठीक है, तो कहां पे सेटअप हुआ था, तमिलनाडु में, लेकिन इसके जो एनवायरमेंटल हेल्थ हजार्ड थे काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व थे, तो काफी प्रोटेस्ट हुआ था इस चीज को लेके, और फाइनली क्या डिसाइड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो स्टरलाइट कॉपर प्लांट है उसको आप क्या करो, क्लोज कर दो 2019 में। ठीक है, तो इस प्लांट को क्या बोलते थे, स्टरलाइट कॉपर, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लोज डाउन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो इससे क्या हुआ था, अगेन ये डिबेट वगैरह अराइज होता है कि इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप करो लेकिन एनवायरमेंट के कॉस्ट पे नहीं, अगर डेवलपमेंट होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया वॉज नॉट एकम्पनीड बाय फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट एंड एज अ रिजल्ट जो लेबर है रिमेन वल्नरेबल। अब इसका क्या मतलब हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसके साथ फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट नहीं हुई, दैट मीन्स जो भी लेबर्स आप एम्प्लॉय करते हो अपनी इंडस्ट्रीज में वो फॉर्मली आपने एम्प्लॉय नहीं किया, वो आपका फॉर्मल वर्कफोर्स नहीं था। अब फॉर्मल वर्कफोर्स क्या हुआ कि जो किन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत आप उनको एम्प्लॉयमेंट देते हो, उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए एंड देन उनको कुछ राइट्स भी मिलते हैं, कितने आवर्स वो काम करेंगे, कितना मिनिमम वेजेस उनको आप पे करोगे। ठीक है, तो अंडर जो गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उस सब के वो बेनिफिशियरीज होते हैं, वो सब उन पे लागू होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज क्या करती है वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयज को रखती है। अगर आपने इनफॉर्मल को रखा है तो उससे इंडस्ट्रीज को क्या फायदा होता है, वेजेस अपनी मर्जी से पे करते हैं, कोई फॉर्मल उनके साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला हिसाब किताब नहीं होता है, हायर एंड फायर रूल पे ही चलते हैं, जब मर्जी रख लिया जब मर्जी उनको निकाल दिया। ठीक है, तो उनके लिए फायदा रहता है क्योंकि वर्कफोर्स काफी लार्ज उनको मिल जाता है एंड वो वेजेस भी अपनी मर्जी से उनको प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल रहता है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। अब ऐसे जो वर्कर्स हैं वो क्यों एज इनफॉर्मल वर्कफोर्स काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली माइग्रेंट्स ही होते हैं जो ऐसे फैक्ट्रीज में काम वगैरह करते हैं, तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो बेचारे इलिटरेट होते हैं, उनको अपने राइट्स का भी नहीं ज्यादा पता होता, तो उनका होता है हैसल फ्री उनको जॉब मिल जाए और उनका जो है वो दो वक्त की रोटी का वो हिसाब किताब वो निकल जाए। ठीक है, तो इस वजह से इंडिया में क्या हो रहा है, जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एंड ये प्रॉब्लम है क्योंकि उनके लिए कोई राइट्स नहीं होते, उनको अपने ड्यूटीज राइट्स वगैरह कुछ पता नहीं होता, उनके लिए है भी नहीं, वो गवर्नमेंट की नजर में ही नहीं आते। ठीक है, तो उनके लिए वो वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, इट मींस वल्नरेबिलिटी, लोअर वेजेस उनको मिलते हैं एंड कोई सोशल सिक्योरिटी भी उनको नहीं प्रोवाइड की जाती है। इंडियाज इनफॉर्मल इकोनॉमी एट 80% ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट एंड हाफ ऑफ टोटल जीडीपी इज वर्स अमंग इट्स पीयर्स एंड इवन कंपेरेबल टू सब सहारन नेशंस। तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की इनफॉर्मल इकोनॉमी जो वहां से जनरेट होती है उसमें इतना बुरा हाल है इंडिया का, वो नाइजीरिया, सब सहारन नेशंस लाइक आपका नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका एंड गाना वगैरह, उससे भी पीछे चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। इनफॉर्मल आई किस आपके सिलेबस में सेपरेट टॉपिक भी दिया है, इसी चैप्टर में है शायद इनफॉर्मल सेक्टर, तो ये हम डिटेल में वहां कवर करेंगे।
The share of the informal economy in terms of value shrank significantly to just about 20% of the economic output in 2021 from about 52% in 2017-18. तो इकोनॉमी में क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा कम हुआ है, लेकिन प्रपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स जो है एंगेजमेंट स्टिल रिमेन सिग्निफिकेंट. तो लोग काम कर रहे हैं एंड क्योंकि वो उनको टैक्सेस वगैरह भी नहीं लगते हैं, ठीक है, तो क्या होता है यूजुअली उनका जो वहां से हमें कंट्री को जो फायदा होना चाहिए इकोनॉमिकली वो नहीं हो पाता है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट लोगों की जो है वो बढ़ रही है. अपार्ट फ्रॉम इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज वगैरह को रखा, जॉब सिक्योरिटी कम है, हार्शर वर्किंग टर्म्स, वो भी एक बड़ा इशू है इंडिया में. इसमें एग्जाम्पल दी गई है बिग कंपनीज लाइक मारुति सुजुकी, तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वो उन्होंने काफी बड़ी इस चीज को लेके स्ट्राइक्स भी की हैं. इवन बिग कंपनीज लाइक मारुति सुजुकी हैव प्रेडोमिनेंट वर्कफोर्स एज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स विद लो जॉब सिक्योरिटी एंड हार्शर वर्किंग टर्म्स. लेबर स्ट्राइक्स एंड एंसुइंग स्ट्राइक एट द मनेसर प्लांट ऑफ मारुति सुजुकी इन 2011 एंड द रिजल्टिंग वायलेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट वर्कर्स जो है वो एक एग्जाम्पल है ऑफ चेंजिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉई टर्म्स, ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्ट में उनको रखा है, अच्छा उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, उतना उनको वेजेस भी नहीं आप दे रहे हो एंड वर्किंग टर्म्स भी काफी हार्श है इस बात पे. वहां पे क्या था, मनेसर प्लांट जो है मारुति सुजुकी का, उसमें उन्होंने इस बात को लेके प्रोटेस्ट भी किया था. मनेसर कौन सा एरिया हो गया आपका, गुड़गांव वाला, ठीक है, गुड़गांव में. As of 2020, nearly 80% of all informal sector workers had no written contract, ठीक है, 70% को कोई paid leave नहीं मिली and 72% got no social security benefits. 80% जो है were not the members of any union or association, तो उनके लिए जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी कोई नहीं है क्योंकि they are not a part of any union or association. तो ये हाल है. ये ग्राफ देख लो GDP share का and employment share का 1947 और 2021 में, ये आपको बताता है ये आपका प्राइमरी सेक्टर है, दिस इज योर सेकेंडरी सेक्टर एंड दिस इज योर टर्शियरी सेक्टर. तो उनका कितना ज्यादा जीडीपी शेयर कितना है उन, मतलब ये जो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में एंड एम्प्लॉयमेंट कितनों को देते हैं. तो 1947 में ये 54% जो है जीडीपी शेयर दे रहे थे, दैट मीन जीडीपी में इनका कितना ये था शेयर 54% एंड एम्प्लॉयमेंट कितनों को दे रहे थे 70% लोगों को अकॉर्डिंगली और सर्विस एंड इंडस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हो. फिर यहाँ पे देख लो क्या हो गया, एग्रीकल्चर में 14% इनका आउटपुट है, दैट मीन्स 14% सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं 42% लोगों को, दैट मीन्स 42% लोग इसमें इन्वॉल्व है लेकिन सिर्फ 14% आउटपुट है. तो यहाँ पे आपका डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है, ठीक है. ये किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का. वैसे आप यहाँ से टैली कर सकते हो अपना सर्विस सेक्टर, दैट मींस आपका यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर एंड आपका टर्शियरी सेक्टर भी. वाइल इंडियन नेशनल जीडीपी जो है बढ़ गई है, लेकिन जो पर कैपिटल जीडीपी जो आपको पर पर्सन बताता है क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है पर पर्सन नेशनल इनकम, वो काफी कम है, वो काफी कम हो गया है, ठीक है. स्टिल वेरी पुअर एंड एट अराउंड $2,000 एज ऑफ 2020 पर पर्सन पर एनम, ठीक है. 2021 में इवन बांग्लादेश जो है उसने भी सरपास किया था इंडिया को इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम. तो कंपाउंडेड जो इनकम इनइक्वालिटीज है इंडिया में वो बहुत ज्यादा है, वो डबल हो गई है सिंस लिबरलाइजेशन, जब से आपके जो ट्रेड फ्री ट्रेड वगैरह प्रमोट हुआ है अकॉर्डिंग टू अ 2013 रिपोर्ट ऑफ OECD, ठीक है. 2020 Oxfam रिपोर्ट सजेस्ट दैट टॉप 1% इंडियंस हैड ऑलमोस्ट 40% इंडियन वेल्थ, दैट मीन्स जितनी भी इंडिया की वेल्थ होगी उसमें जो 40% है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है. वो ये आपके अंबानी अडानी वगैरह जो एक शादी से पहले एक प्री फंक्शन करते हैं उसको इतने ग्रैंड लेवल पर, अब उनकी शादियां का एक फंक्शन एक कंट्री में एक फंक्शन एक कंट्री में, तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा पैसा है कुछ लोगों के पास एंड कुछ लोगों के पास दो वक्त की रोटी के लिए भी जो है अरेंज नहीं हो पाता. The 12th five-year plan noted that of the estimate 60 million people displaced in the development projects since independence, as many as 40% were tribals, quite in stark contrast to their share in population, which is around 8%. ठीक है, तो share population इतना कम है उसमें से भी 40% जो है वो displaced हो गए due to जो projects वगैरह चलते हैं, ठीक है, industrial projects, plants वगैरह set up करते हैं, उससे क्या हो जाता है वो कहाँ जाते हैं, फिर forest clearance करनी होती है, लोग displaced हो जाते हैं, तो काफी से protest इन चीजों को लेके भी होता है. बट ये बड़ी बड़ी कंपनीज आखिर में जीत उन्हीं की होती है, जो गरीब होता है वो बेचारा कुचला ही जाता है हर साइड से. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया फेल टू प्रोवाइड एग्जिट अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर इंक्लूडिंग इन एग्रीकल्चर एंड एज अ रिजल्ट देयर इज रैम्पेंट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर्स. तो एक अच्छा एग्जिट नहीं मिला
इंडियंस को, इंडिया में जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, तो ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा फिर जो लोग हैं अपने एग्रीकल्चर को छोड़ के उनको बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली हो, चले गए हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एग्रीकल्चर में भी ओवरक्राउडिंग हुई, तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर और इट्स एलीट सेक्टर्स वो उसमें वहां पे बढ़ गई। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि अगर कहीं पे 10 लोग कहीं की जरूरत है, ठीक है, वहां पे 10 लोग काम करें 100 पॉइंट्स वहां का यील्ड है। अब वहां पे 10 लोगों की जगह 20 लोग काम करें लेकिन जो आउटपुट है वो 100 पॉइंट्स ही है, तो ये आपका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। मैंने कहीं पर डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट बोला है तो कंफ्यूजन में ऐसा हो जाता है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ट्राई टू पुश डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग थ्रू इट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आपने सुना होगा, ठीक है। भारत जो है अपना ये करेगा, खुद से ही जो प्रोडक्ट्स बनाएगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेगा। इसके जो आउटकम्स हैं, जितना प्रोजेक्ट किया था उतना ज्यादा अचीव नहीं हुआ, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो डिजायर की गई थी इसमें होंगी वो नहीं हुई, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कितना खुद से हो रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका लेवल, उसका कॉम्पिटेटिव एज, काफी चीजें जो है इसमें इन्वॉल्व थी, तो इस वजह से जितना प्रोजेक्ट किया गया था प्रॉफिट उतना नहीं हुआ। And some of the problems that old industrial development had continued to remain. तो हमने make in India initiative से क्या सोचा था, job growth काफी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, economically काफी ज्यादा beneficial रहेगा हमारे लिए, and foreign investments भी काफी ज्यादा होंगी, तो इसके जो outcomes थे उतने खास नहीं थे, and some of the problems old industrial development had continued to remain. तो क्या problems थी, infrastructure bottlenecks, क्या आप मेक इन इंडिया तो बोल रहे हो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेबर लॉज आपके रिजिड हैं आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो चल रही ओल्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, जैसे आपका ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म उसको बोला जाता है कि परमिट्स, अप्रूवल्स, लाइसेंसेस वगैरह लाना, वो सारी चीजें। तो आगे देखते हैं, रैम्पेंट कंज्यूमरिज्म हैज ऑल्सो क्रिएटेड एनवायरमेंटल हैजार्ड्स ड्यू टू स्लैक रेगुलेशंस। तो कंज्यूमरिज्म हमने पहले भी डिस्कस किया होगा पुराने वीडियोस में कहीं ना कहीं। कंज्यूमरिज्म क्या होता है, जो कंजम्पशन कल्चर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन बहुत ज्यादा बाय कर रहे हो चाहे आपको जरूरत है या नहीं है। अभी आईफोन 10 ही आपने जो है ईएमआई पे लिया था, या चाहे किसी ने अपनी किडनी बेच के लिया हो, आईफोन 11, 10, 12 उसी के ही पैसे चल रहे हैं अभी, वही वो नहीं पूरा कर पा रहे। यहां से आईफोन आएगी 15, 16 कौन सा अभी करंटली है मार्केट में, वो भी आ गया, अब आपको वो वाला भी चाहिए। ऑल दो फीचर्स में उतना कुछ फर्क नहीं है, एंड शायद ऐसे फीचर्स हैं जो कभी आप यूज ही नहीं कर सको। बेसिक फीचर वाला फोन जो है अब आपको नहीं चाहिए, आपको अपग्रेड करते रहना है, नई कार्स लेते रहना है चाहे जरूरत हुए ना हो। तो ये सब चीजों से क्या हो जाता है, एनवायरमेंटल हैजार्ड हो जाता है। अब आप बोलोगे कैसे हो जाता है, क्योंकि रेगुलेशंस वैसे काम नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इतने सारे प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका जो वेस्ट डिस्पोजल है कंट्री का, वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट वो कैसा है आपको ये भी देखना होगा। अगर सही से वेस्ट जो है उसको डिस्पोज नहीं कर रहे हो वो एनवायरमेंटल हैजार्ड एक क्रिएट कर देगा, फाइन। एंड अगर आप इतनी सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका कोई रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए कंट्री का डेवलप्ड, अगर वो डेवलप्ड नहीं है तो एनवायरमेंटली आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा, एंड काफी ज्यादा रिसोर्स डिप्लीशन भी हो जाती है। अब आप बोलोगे वो कैसे हो जाती है, देखो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है हमारी कंट्री में, ये हमें पता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल आईफोन की भी दी, लेकिन चाहे वो बाकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी हों जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें माइनिंग करनी पड़ती है। किसकी माइनिंग करनी पड़ती है, रेयर मेटल्स की एंड मिनरल्स की, एंड उससे क्या हो जाता है हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो तो कम हो ही रहे हैं, एंड इनकी माइनिंग में आप क्या कर रहे हो, एनवायरमेंटल भी आप जो एनवायरमेंटल चेक्स वगैरह हैं वो भी ध्यान में नहीं रखते हो, तो एनवायरमेंटली भी काफी आप क्या कर रहे हो, कंट्री में प्रॉब्लम जो है वो जेनरेट कर रहे हो। तो ये जो एक इंटीग्रेशन भी बना है इंडियन इकोनॉमी का विद द ग्लोबल इकोनॉमी, उसके भी अपने हैजार्ड हैं, क्योंकि जो इकोनॉमी है एक्सपोज टू ऑल एक्सटर्नल शॉक्स। अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्लोबलाइज्ड है, वो इंटीग्रेटेड है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के साथ, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा खासा चल रहा है, फाइन, तो जब ग्लोबली कोई शॉक होगा, चाहे वो ईस्ट एशियन क्राइसिस आया था इतने टाइम में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसका इम्पैक्ट आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, ठीक। एंड और एक चीज, जितना ग्लोबल इकोनॉमी होगा उतना ही आपका ग्लोबली मोबाइल लेबर होगा जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री आराम से ट्रैवल करेगा। तो जब कोरोना पैंडेमिक आया तो क्या हो गया, तो लोग जो थे ग्लोबल मोबाइल लेबर जो थे वो कैरियर बने आपके वायरस के, एंड जो वायरस शायद नहीं फैलता वो टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड फैल गया। एज इंडिया ऑल्सो लैप्स अप द ग्लोबल वेव ऑफ ऑटोमेशन,
एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डोमिनेंस ऑफ मशीन्स कैन बी कैटेस्ट्रोफिक ऑन द वर्कफोर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, जितना फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बूम करेगा एंड ऑटोमेशन जितना ज्यादा आप मशीनरी यूज करोगे उतना वर्कफोर्स के लिए वो बुरा होगा. फॉर एग्जाम्पल जितना एआई ग्रो करेगा हो सकता है ऐसा प्रोजेक्ट भी किया जाता है कभी रिप्लेस करेगा ये आपका जो ह्यूमन वर्कफोर्स है एआई उसको भी रिप्लेस कर सकता है तो हमारे वर्कफोर्स के लिए अच्छा नहीं होगा. एज लेबर आर्बिट्रेज इज नो लॉन्गर द ओनली ड्राइविंग फैक्टर इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिनेरियो हैज बिकम मोर फ्लूइड देन एवर एंड इंडिया नीड्स टू रैंप अप इट्स कॉम्पिटिटिव एज बाय कॉन्स्टेंट इनोवेशन एंड रिफॉर्म्स. ठीक है, तो बोला जाता है कि अब चीप लेबर जो है सिर्फ वही आपका ड्राइविंग फैक्टर नहीं होगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए कि सिर्फ आप चीप लेबर पे डिपेंड नहीं करोगे, आपको अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसको ज्यादा इनोवेटिव करना पड़ेगा. फाइन, और उसके लिए क्या है आपको कॉन्स्टेंट इनोवेशन चाहिए एंड ऐसे रिफॉर्म्स चाहिए. आपको अपने कंट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसे पुराने वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी ज्यादा जो है वो काफी कम स्पेंड होता है वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि कॉन्स्टेंट इनोवेशन होती रहे एंड नए नए रिफॉर्म्स आते रहे. फाइन, एंड जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो अच्छे लेवल पे हो क्योंकि सिर्फ चीप लेबर पे आप डिपेंड नहीं कर सकते हो. वन डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द करंट फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसका डीप लिंकेज विद द मार्केट इकोनॉमी. फाइन, वो हमें पता है कि मार्केट इकोनॉमी से रिलेटेड दैट मींस आपका ये जो भी प्रोडक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि जितनी जिस चीज की डिमांड होगी उतनी इस चीज की सप्लाई होगी. पहले भी ऐसा होता था लेकिन वो उतनी ज्यादा फैले नहीं थी वो चीजें, डिमांड एंड सप्लाई काफी लोकलाइज थी एंड इसका कम इम्पैक्ट था ऑन लोकल इकोनॉमिक लाइफ के लिए. और पहले क्या होता था जैसे कैश इकोनॉमी जो है एब्सेंस ऑफ कैश इकोनॉमी वो नहीं थी क्योंकि आपका जो डिजिटल ट्रांजेक्शन बेस्ड इकोनॉमी थी उतनी डेवलप नहीं थी, इस वजह से भी फ्री एक्सचेंज नहीं होता था एंड रूरल अर्बन लिंकेजेस भी ज्यादा नहीं होते थे. आज क्या होता है, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाते हो गांव में बैठ के एंड उसको ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो हैसल फ्री होता है सब कुछ. ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये जो लिंकेजेस है मार्केट के, मार्केट इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइजेशन के, ये भी काफी ज्यादा एक्सटेंसिव हो गए हैं. एज डिस्कस अर्लियर जो मार्केट इकोनॉमी है दैट मीन लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इंडिया, it was introduced by the British and it had a lot of negative consequences as it linked the rural economy to the wider world in a highly subservient and exploitative manner. क्योंकि यहाँ से raw materials ले रहे हो तो फिर कहीं और finished good बना रहे हो, बाद में फिर से आके इसको इंडिया को इस market treat कर रहे हो, तो जो linkage था wider world के साथ वो एक equal terms पे नहीं था, ये काफी ज्यादा exploitative manner में था, drain of wealth हो रहा था, drain of resources हो रहा था. मोर एरिया वॉज बॉट अंडर कैश क्रॉप एंड द कंट्रोल वेंट इन टू दी हैंड्स ऑफ जमींदार. और भी क्या हो गया था, एग्रीकल्चर में भी सही नहीं था क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे एंड कंट्रोल जो था वो जमींदार एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट के पास था. कैश क्रॉप वो हुआ जो आपके लिए क्या करेगा, ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा लेकिन आपके फूड सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि कैश क्रॉप आप फॉर एग्जाम्पल टी कॉफी आप इसी की प्लांटेशन करे जा रहे हो तो आपको वो जो अनाज है वो कहाँ से आएगा, अनाज के लिए भी आपको जमीन रखनी है ना, तो फूड सिक्योरिटी इश्यूज जो है इससे काफी ज्यादा बढ़ गए. एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो नेचर ऑफ प्रोडक्शन है चेंज एज सरप्लस वॉज नाउ द मार्केट एंड नॉट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन. तो पहले क्या होता था, सेल्फ के लिए प्रोड्यूस होता था, अब ऐसा नहीं हुआ, जो सरप्लस है उसको स्टोर कहीं नहीं किया जाता था अपने लिए, वो कहाँ चला गया, मार्केट में. इससे जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो गए, पंजाब हरियाणा जो है स्टार्टेड टू ग्रो मोर ल्यूक्रेटिव कैश क्रॉप जहां से उनको बेनिफिट ज्यादा आएगा चाहे वो आपके एनवायरमेंट के लिए बुरे भी हो. इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्टेड इकोनॉमिक रिलेशंस इन रूरल एरियाज ऑल्सो, क्योंकि रूरल एरियाज में जो इकोनॉमिक रिलेशंस थे वो जजमानी सिस्टम पे बेस्ड थे. जजमानी में ना आपका एक यजमान होता था और एक कामीन होता था. कामीन सर्विंग कास्ट के होते थे जो जजमान को क्या करते थे, सर्व करते थे. ठीक है, और इन रिटर्न उनको कैश और काइंड जो है वो दे देते थे. तो ये जो रिलेशन ये इंटरडिपेंडेंट था एंड एक पर्सनल रिलेशन पे डिपेंड करता था. कई सोशियोलॉजिस्ट ने ये भी कहा है कि एक्सप्लॉयटेटिव नहीं था ये, एक गुडविल पे भी डिपेंड करता था आपका जजमानी रिलेशन. अब वो चीजें खत्म हो गई, ये जो क्लास पोलराइजेशन ये इंक्रीज हो गई, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन जो थे अब एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बन गए, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इंक्रीज ड्यू टू सर्च ऑफ न्यू जॉब्स ऑन वन हैंड एंड ड्यू टू स्क्यू डेवलपमेंट ऑन दी अदर. ठीक है, तो क्या हो रहा था, रूरल एरियाज में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो है वो बढ़ गई, तो उसे अर्बन माइग्रेशन एरियाज में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमने बाद में देखी जो एनवायरमेंटली सही नहीं थी, आपकी सोशली भी सही नहीं थी, क्राइम्स जो है वो इंक्रीज हो गए, बीमारियां जो है वो बढ़ गई. According to 2020 final report of Technical Group on Population Projections constituted by NCP, around 40% Indians still live in urban areas. Still नहीं, will live in urban areas. ठीक है,
by 2036. Industrialization had a modernizing influence of on agriculture and led to inculcation of scientific temperament in Indian agriculture. तो Indian agriculture में scientific temperament आ गया, तो जो fertilizer जिस चीज के लिए अच्छा है उसको बनाया गया, ठीक है, and थोड़ा scientific interventions जो है हमारे Indian agriculture में भी होने लग गई. और क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू हाई डिविजन ऑफ लेबर, इट ऑल्सो ब्रोक कास्ट बाउंड्रीज एंड ओपनड अप मोर एवेन्यूज ऑफ सोशल मोबिलिटी. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हो गया, जो कास्ट बाउंड्रीज थी वो खत्म हो गई, क्योंकि उसका सेटिंग ऐसी होती है सारे कास्ट जो होते हैं इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, और सोशल मोबिलिटी थी वो भी इंक्रीज, वो भी उसके भी एवेन्यूज खुल गए, क्योंकि अगर इनकम थोड़ी ज्यादा आ गई तो आपके लिए अपनी क्लास से दूसरी क्लास में जो है जंप करना इजी हो गया. सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली किनशिप वर आल्सो इफेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि माइग्रेशन हो गई, ठीक है, एंड अपनी फैमिलीज को पीछे छोड़ के माइग्रेट करके सिटीज में आ गई, न्यूक्लियर फैमिली वाला सेटअप हो गया. फैमिली जो थी नो लॉन्गर प्लेज द फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक प्लेसमेंट, पहले क्या होता पूरी फैमिली जो थी इट वॉज कंसिडर्ड एज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि अगर चार मेंबर्स हैं चार के चार जो है वो फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, अब फैमिली क्या बन गई, ज्यादा यूनिट ऑफ कंजम्पशन. अब एक जो है ब्रेड विनर बन गया जो जाके काम करता है, पीछे क्या रह गई जो फैमिली, वो उस काम उन जो प्रॉफिट वहां से आता है सैलरी आती है उस पर पल रहे हैं. सिमिलरली रोल ऑफ किनशिप हैज ऑल्सो वीकेंड इन द इकोनॉमिक मैटर्स, ठीक है. अब क्या हो गया, रोल ऑफ किनशिप जो था पहले बाई सबकी इकट्ठे जमीन होती थी, सब इकट्ठे काम करते थे एंड प्रॉफिट शेयरिंग होती थी, अब वो नहीं हो, अब एक बाई एक काम कर रहा है, एक बाई एक काम कर रहा है, तो इकोनॉमिक मैटर्स जो है सबके अलग हो गए. Market forces are leading to higher aspirations among the individual and it is leading to higher instances of anomaly. तो जो market forces like आपका जो free market economy ने उसने क्या किया, काफी opportunities provide की individuals को, लेकिन साथ में anomaly भी बढ़ गई. Anomaly means आपकी situation of normlessness या आपका lack of social cohesion, ठीक है. इससे क्या हो गया, opportunities तो थी लेकिन आप में क्या थे, काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज थी, जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई या कोई डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आता है, ठीक है, कास्ट इनइक्वालिटी, क्लास इनइक्वालिटी, या किसी की एजुकेशन प्रॉपर नहीं है उसके बैकग्राउंड की वजह से, इन चीजों की वजह से जो अपॉर्चुनिटी आपको इस फ्री मार्केट इकोनॉमी में मिल रही थी वो आप हासिल नहीं कर पाए, तो लोगों में क्या क्रिएट हो गई, एक लैक ऑफ सोशल कोहिजन या एक नॉर्मलेसनेस वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई. Market failures leading to greater social stresses at times, as was in case of social global financial crisis of 2008 and COVID pandemic included economic slowdown. तो इन सब failures की वजह से भी क्या हो गया, आपका जो economic slowdown है वो हमें देखने को मिला. There are some other emerging trends also as the result of long working hours and flexible time work culture in places like Bengaluru, Hyderabad, Gurugram, where many IT firms or call centers are located, shops, restaurants have also changed their opening hours and remain open till late. तो जैसे आपका नाइट लाइफ वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से आप वो रिलेट कर सकते हो. इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्क देन चिल्ड्रन हैव टू बी पुट इन क्रेचेस, तो आपके क्रेचेस जो है वो बढ़ गए. ज्वाइंट फैमिली वो सपोज विच वॉज सपोज टू हैव डिसअपीयर्ड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन सीम्स टू हैव री इमर्ज. वो री इमर्ज कैसे हो गया, क्योंकि अब जब आप आगे सिटी में आगे काम करने के लिए, मियां बीवी दोनों काम कर रहे हैं, बच्चों को कौन देखेगा, ठीक है, आपको बेबी सिटर लाना पड़ेगा जो अगेन ट्रस्टवर्दी नहीं होगा, तो जो ग्रैंड पेरेंट्स उनको बुलाया जाता है बच्चों का ध्यान रखने के लिए व्हेन बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग. तो जो ज्वाइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं फिर से आप बोल सकते हो, जहां पे इनिशियली ये क्या हुआ था, कम हो ज्वाइंट फैमिली ब्रेक हो गई इनिशियली, लेकिन बाद में इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला, इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो ज्वाइंटनेस वाला कॉन्सेप्ट है, ज्वाइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है, वो फिर से रीइमर्ज हो गया. ग्लोबलाइजेशन भी एक फीचर है कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्रियलाइजेशन का. वन ऑफ द फर्स्ट इंप्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन वॉज ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट. अब जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में भी आपको मिलेंगे, जो आप यूएस से ले सकते हो आप इंडिया से भी ले सकते हो. यहाँ पे यही एग्जाम्पल लिखी हुई है. More and more companies are reducing the number of permanent employees, जैसा हमने पहले देखा वो outsource कर रहे हैं अपने काम को. As small companies have to compete for orders from big companies, they keep their wages low and जो working conditions होती है also often poor to cut cost. ये small companies कौन सी होती हैं जिनको बड़ी companies ने अपना काम outsource किया होता है. Fine, तो ये problems face कर रहे हैं, अपने wages कम रखते हैं, working conditions जो होती हैं वो भी अच्छी नहीं होती है, ताकि जो उनका खर्चा वगैरह आता है कंपनी स्मॉल कंपनीज का उसको कट कर सके. ट्रेड यूनियंस के लिए भी इट इज डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन सच स्मॉलर एंड फ्रेगमेंटेड फर्म्स. ऑल्सो ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज इन गवर्नमेंट वंस नाउ प्रैक्टिस सम और द अदर फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आई गेस लेक्चर स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम नया लेक्चर लेके आएंगे. टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.